हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का चोखा, जिसे हम भरता भी बोलते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गोभी को पहले से काट के धो लिया है। नमक स्वाद अनुसार, एक बारीक कटी हुई प्याज, चार बारीक कटी हुई मिर्ची और बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और सरसों का तेल। आइए अब बनाना हम शुरू करते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गोभी डालेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे ताकि अच्छे से सीझे, और हम फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे हम थोड़ा चला लेंगे और इसे हम ढक देंगे ताकि अच्छे से सीझ जाए। अब फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, इसे हम एक बार चला लेते हैं। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे ताकि यह जले ना। फिर से इसे हम ढक देंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। देखिए ये फ्राई हो चुका है। देखिए एक बार हम इसे देख लेते हैं कि सीधा या नहीं। देखिए ये अच्छी तरह सीझ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, थोड़ा सा हम धनिया पत्ता रख लेंगे इसके गार्निश के लिए। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है। अब इसे हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। देखिए मैंने इसे गार्निश कर लिया है। अब मेरा गोभी का चोखा बनके रेडी है, जिसे हम भरता भी बोलते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।